Hello guys, I am Parinita and welcome to my channel CSE Concepts with Parinita. In this video, we are going to discuss about a very interesting job update. Ek central government job update hai, CIL ke taraf se, that is Coal India Limited. It itself is a very big name. Central government job hai, aur jaise humko pata hai, central government job ka one of the very interesting part, jo exciting part hota hai, hoti hai uski salary. So, iski salary hai, you will get between 60,000 rupees to 1,80,000 rupees per month. It is a huge amount. So, in this video, we will see the details of this video. What are the conditions? What are the eligibility criteria? We will see all of them. So, as I said, from CIL, Coal India Limited, this is recruitment advertisement. The post ka naam hai management trainee. Now, inhone management trainee post ka naam kyun rakha hai? Kyunki it is actually training plus job. You can say that it is the opportunity of training plus job. Ab usme kaisa hai, we'll discuss. Total vacancies hai 1326. 1326. Achhi khasi recruitment numbers hai. Starting date of applying for this job is 21st December 2019. And closing date is 19th January 2020. 19th January तक आप apply कर सकते हैं. जैसे आपको पता है आजकल सारे applications में होते हैं, इसमें भी आप online apply कर सकते हैं. Selection process इसका क्या होगा? सबसे पहले computer based online test होगा. और अगर वो tests में आप जितने उनको marks चाहिए उतने अगर आप ला पाते हो, तो उसके बाद personal interview होगा. और interview के बाद ही आपका final selection होगा. ठीक है? ऑनलाइन आप अप्लाई कहां पे कर सकते हो? इनके खुद की ऑफिशियल साइट पे coalindia.in इनका ऑफिशियल साइट है, वहां पे जाके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हो. आज हम वीडियो में ऑब्वियसली मैं आपको ओवरव्यू जो है, ओवरऑल जो मेन डिटेल्स है वो मैं आपको बता रही हूं. अगर आप एलिजिबल है प्लस इंटरेस्टेड भी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं. coalindia.in में आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जैक्ट लिंक भी दे दूंगी. इसका एक पीडीएफ है पूरा एडवर्टाइजमेंट का, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. उसके अलावा ऑनलाइन करना हो तो आप coalindia.in में जाके डिटेल्स भी देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम डिसिप्लिन की बात कर ले क्विकली, सबसे पहले तो कौन कौन एलिजिबल है, कौन से स्ट्रीम में. तो अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अगर आपने इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट में वो लोग बोल देते हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते, बट इन दिस केस, इन दिस एडवर्टाइजमेंट उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है. अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो या लाइक अब जो भी कर रहे हो, बीटेक एमटेक जो भी कर रहे हो, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, अपने फाइनल ईयर में हो, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अब ये तो मैंने डोमेन बता दिया कि कौन से डोमेन वाले एलिजिबल है. उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली डिसिप्लिन की बात करें तो कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल है और उसके कितने नंबर ऑफ पोस्ट है वो मैं आपको बता देती हूं. डिसिप्लिन माइनिंग वाले, अगर आपने माइनिंग में किया हुआ है तो उसमें 288 पोस्ट है. इलेक्ट्रिकल 218, मैकेनिकल 258, सिविल 68, कोल प्रिपरेशन 28, सिस्टम्स 46. अगर आपने एमबीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है तो भी आप कर सकते हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले 254 नंबर ऑफ पोस्ट है. मटेरियल मैनेजमेंट 28, पर्सनल एंड एचआर 89, मार्केटिंग एंड सेल्स 23, कम्युनिटी डेवलपमेंट 26. तो अच्छे खासे नंबर ऑफ पोस्ट है. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें मैंने आपको बताया 1326 नंबर ऑफ पोस्ट है. इट इज अ गुड अमाउंट. इसमें इन्होंने एज लिमिट दी हुई है 18 इयर्स टू 30 इयर्स, मतलब अगर आप मोर देन 18 एंड लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज है आपका तो आप एलिजिबल है इसके लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे मैंने बोला ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका. और इन्होंने ट्रेनी इसलिए रखा है इनके पोस्ट के नाम पे बिकॉज इन्होंने इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, उसमें अगर आप क्लियर करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा. अब इंटरव्यू भी अगर आप क्लियर करते हो तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए. ट्रेनिंग बोल लो या वो जॉब ही होगा, बट वो प्रोविजन पीरियड होगा आपका. तो इन्होंने लिखा हुआ है दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट द सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ वाइल इन प्रोविजन. तो आपका जो प्रोविजन पीरियड होगा उसके लिए आपको 50,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा. और एक बार आपका वो प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाता है, आप फाइनल एम्प्लॉय बन जाते हो उनके, तब यू कैन गेट द सैलरी बिटवीन 60,000 रुपीज टू 1,80,000 रुपीज पर एनम. ठीक है, तो
इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आप एलिजिबल हो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. अगर हम फीस की बात कर ले एप्लीकेशन फी की, तो अगर आप SC ST या फिर एक्स एम्प्लॉय ऑफ CIL रह चुके हो तो आपके लिए कोई फीस नहीं है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपीज फॉर्म है. ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए. अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप ट्राई करिए, बिकॉज 1000 रुपीज इज नॉट अ वेरी लेस अमाउंट. 1000 रुपीज इसकी फी है, तो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा. Then as I told, you have to go to, for applying, you have to go to the official site of Coal India Limited, that is coalindia.in. ठीक है, you will get all the details there. And apart from that, I will, what is the procedure? You have to first apply. You have to, you will get all the information there. You can read the information. After that, if you are eligible, you can start filling the application form. और फिर आपको क्लोजिंग डेट होने के पहले सबमिट करना होगा, और फिर आपको एप्लीकेशन फी भी ऑनलाइन ही पे करनी होगी. देन यू विल बी कॉल्ड फॉर, यू विल गेट योर एडमिट कार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. अगर वो आपका क्लियर होता है तो यू विल बी गेटिंग अ कॉल, और यू विल बी गेटिंग अ मेल फॉर द इंटरव्यू कॉल. ठीक है, सो इफ यू आर एलिजिबल यू शुड अप्लाई फॉर इट. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.